देश भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर देश की आजादी के लिए अब तक शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी में भी नजर आए, जिस पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी अंकित था। साथ ही पीएम मोदी मणिपुर का गमछा लगाए भी नजर आए। इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी ताकत का परिचय दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम ने गणतंत्र दिवस परेड में समा बांध दिया। प्रदर्शन के दौरान संयम, वीरता और देश प्रेम के जज्बे से सभी ओतप्रोत नजर आए। वहीं अन्य राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर सहित गोवा की आकर्षक झांकियां भी दिखाई गईं। साथ ही पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को दर्शाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिखाया गया। इसमें लाला लाजपत राय और उधम सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओ डायर को गोली मारने के विरोध को भी दर्शाया गया। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिल्ली राजपथ पर आयोजित इस झांकी को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को सलामी देते हैं।